अगर आप कभी नेपाल गए हो और आपने गंदगी नदी में स्नान किया है, या फिर आप मंदिर में घूमने गए हो, या फिर कहीं भी आप बाज़ार में उधर गए हो, तो आपको वहाँ इस तरह के पत्थर जरूर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर ये कीड़े जैसी आकृति सी बनी दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आकृति क्या है? ये पत्थर गंदगी नदी में पाए जाते हैं जो नेपाल में हैं। वैसे भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ गंदगी नदी का नाम सबसे पहले है। पर यह आकृति इस पत्थर के अंदर बनी कैसे, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो चलिए मैं आपको ये सब आज बताने जा रहा हूँ। इस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस आकृति के बारे में पूरा बताते हैं। भारत में इन पत्थरों की खूब पूजा की जाती है। भारत के लोगों का मानना है कि एक समय में जलंधर नाम का एक असुर हुआ करता था जिसकी पत्नी का नाम बिंद्रा था, जो अत्यंत सती थी। अगर आपको सती का अर्थ नहीं मालूम तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सती का अर्थ होता है सेवा करने वाली और सुख दुख में साथ निभाने वाली पत्नी। बिंद्रा के सती को भंग किए बिना असुरों को परास्त करना असंभव था। जब एक दिन असुर घर पर नहीं था तो भगवान विष्णु ने उस असुर का रूप लेकर बिंद्रा को सतीत्व को भंग कर दिया और उस असुर को मार डाला। जब बिंद्रा को पता चला कि उनका सतीत्व भगवान विष्णु ने भंग किया है तो बिंद्रा काफी क्रोधित हो गई। उसने उसी वक्त विष्णु को शराप दे दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं शालिग्राम रूप में नदी में निवास करूँगा, तभी से वहाँ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस पत्थर के स्पर्श से ही करोड़ों जन के पाप धुल जाते हैं। फिर यदि इसका पूजन किया जाए तो बात ही क्या। इसलिए भारत में पत्थर हर जगह पूजे जाते हैं। और बायोलॉन्थोलॉजिस्ट जीव विज्ञान के साइंटिस्ट का कहना है कि पहले जब डायनासोर का युग था तब एक एमोनाइट नाम का एक जीव आज से 400 से 66 मिलियन साल पहले समुद्र अथवा नदी में पाया जाता था। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 66 मिलियन साल पहले विशाल उल्का पृथ्वी पर टकराने से सभी डायनासोर का खात्मा हो गया। उसी के साथ ये स्पीशीज भी तभी ख़त्म हो गई जिन्हें एमोनाइट्स के या एमोनाइट्स के नाम से जाना जाता है। फिर यह प्रजाति फॉसिल्स के रूप में दिखाई देने पड़ने लगी, जैसे कि आज इस तस्वीर में। अगर आपको कभी यह पत्थर मिला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना। फॉसिल्स हम उन्हें कहते हैं जो हजारों करोड़ों साल पहले जानवर मर चुके होते हैं। जैसे हजारों करोड़ों साल पहले डायनासोर मर चुका था और उस पर मिट्टी की परत पे परत चढ़ती ही रहती है, जो आज हमें मिट्टी की खुदाई या चट्टान के टूटने पर मिलते रहते हैं। म्यूजियम में इन्हें बहुत महंगे महंगे दामों पर बेचा जाता है। खैर, इसके बारे में अलग ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना। और कहा यह भी जाता है कि उस समय एक वज्रकीता नाम का एक कीड़ा हुआ करता था जो पत्थरों में ड्रिल अथवा छेद करके उनके अंदर चला जाता था और वहीं निवास करता था। तभी पत्थरों के अंदर ये छेद हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिमी देशों में ये पत्थर म्यूजियम में रखे जाते हैं और पैलियोन्टोलॉजिस्ट आज भी इन पर रिसर्च करते रहते हैं। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है।